हरियाणा में चुनाव है, 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। इस बीच पार्टियों की तरफ से संकल्पों और गारंटियों की वादों में भरमार है। मेरे साथ एक गांव की दादी मौजूद है, यूँ तो मेरी नानी लगती है वो, और इनसे जानते हैं कि हरियाणा में किसका माहौल है, जो बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से थी उन्होंने कितना काम किया या फिर नहीं किया, या फिर बदलाव होगा, और ख़ासतौर पर सोनीपत में क्या हाल है, इनसे जानते हैं। नानी, क्या क्या लगता है, बीजेपी ने काम किया है? हाँ, बीजेपी ने गरीब आदमी को नाथ दे रहा है। ये है, सारे बच्चे नौकरी पढ़ाई पढ़ाई धक्के खाते आते हैं, इन्हें नौकरी भी मिलनी चाहिए। 1,000 रुपये का सिलेंडर कर रखा, सिलेंडर भी कम होना चाहिए, गरीब आदमी अपना गुजारा कर ले। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका कमाओ नहीं है, स्कूल वाले उन्हें कहे हैं हमने 2,000 दो, हमने 4,000 दो, 12,000 दो, कितने ला कर दें, घर उल्टे बेचते हैं, वो बराबरी होती अंडे दा है, कहाँ जावा वो, फिर कितने लियावा, किराए के ढूंढ में पड़े, प्लॉट नहीं, घर नहीं, तो उन कितने दे पैसे, अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है, तो इतने पैसे कहाँ से दे। इसके अलावा मोदी सरकार ने पेंशन, वृद्धों की पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? जब पेंशन दी 3,000 रुपये मिले हैं, बीमारी इतनी हो रही है, 3,000 में क्या पूरा पाटता है, पेंशन भी बदनी चाहिए थोड़ी घनी, है थोड़ी हमारी बूढ़े की पेंशन भी बदलनी चाहिए, ठीक है। अच्छे काम करे हैं मोदी ने, तो और भी अच्छे करो। और माहौल में कुछ बदलाव दिख रहा है? अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कांग्रेस ने कैसे काम किए थे पहले? कांग्रेस ने तो इतनी महंगाई कर दी, गरीब आदमी दिखाया ही नहीं गया। तो मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, दोबारा बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी? बन जाएगी, बनेगी, बनेगी क्यों नहीं, अच्छा काम कर रहे हो तो बनेगी, बनेगी क्यों ना, अच्छे करे हो तो कमल का फूल खिलेगा तो खिलेगा। जी बिल्कुल, कमल का फूल खिलेगा तो खिलेगा। ये यहाँ की नानी ने बताया है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, और आगे आने वाले वक्त में भी 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल का ही फूल खिलेगा। खिला हमने कुछ फायदा ही फायदा है, हमारी भी कुछ मदद करेगा भाई, हमारा घर नहीं है, किराए पर बड़े हैं, तो कुछ इनको थोड़ा घना मक्की तो 50 गज 40 गज के, तो हमारा भी कुछ रास्ता करो भाई, हम बच जाए बुढ़ापे में, ऐसे तड़पते चले जाएंगे तो फायदा क्या हमारा। तो हरियाणा के हाल में हम कुछ और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।